हाय फ्रेंड्स, मैं मिस्टर हिमेंद्र महतो और आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल लेबोरेटरी में स्वागत है। तो एक बार फिर मैं जॉब का नोटिफिकेशन लेके आ गया हूँ जो निकला हुआ है आपका विजयनगरम में निकला हुआ है, ठीक है। और ये जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है जिसमें कि लैब टेक्नीशियन का पोस्ट निकला हुआ है, फार्मासिस्ट का है, ठीक है, और भी अदर पोस्ट है। तो देख लेते हैं क्या क्या पोस्ट है इसमें, क्या क्या नहीं है, ठीक है। ये आपका प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, ये याद रखिएगा, ठीक है। और डिटेल्स जानकारी हम इस नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको देंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आइए अब चलते हैं अपने नोटिफिकेशन की ओर, देखते हैं क्या सब लिखा है इसमें, कब इसका लास्ट डेट है भरने का और कब से स्टार्ट है ये फॉर्म फिलअप, ठीक है, और क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है। ये सारे डिटेल्स हम इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले क्या है कि ये नोटिफिकेशन जारी किया गया कहाँ से, तो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट नोटिफिकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर द पोस्ट लाइक लैब टेक्नीशियन फार्मासिस्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस FNO एंड सेनेटरी अटेंडर कम वॉचमैन आउटसोर्सिंग बेसिस पोस्ट अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर विजयनगरम, ठीक है। तो अभी आपको बहुत सारे जो है पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे निकल रहे हैं, आपको पता है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में निकल रहा है। तो इस बार जो है आपका कहाँ पे है, विजयनगरम में निकला हुआ ये वैकेंसी, ठीक है। इससे पहले अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में मैंने बताया था कि कहाँ पे निकला हुआ है, सभी का वीडियो मैंने डाल दिया है। तो ये सारा है और इसका जो है ये नोटिफिकेशन नंबर जो दिया है, रिक्रूटमेंट नंबर जिसको बोलते हैं, दिया हुआ है। इसमें लिखा है कि एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ लैब टेक्नीशियन फार्मासिस्ट। इसमें क्या है, लैब टेक्नीशियन फार्मासिस्ट जो है डायरेक्टली आपको विजयनगरम डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल से क्या है कंट्रोल हो रहा है, हेल्थ ऑफिसर से जो है वहाँ से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस से कंट्रोल हो रहा है। किसका, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस से, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर विजयनगरम से कंट्रोल होता है। कौन सा, लैब टेक्नीशियन और फार्मासिस्ट का पोस्ट। और जो इसमें FNO और सेनेटरी अटेंडर जो है कम वॉचमैन, इसका जो आउटसोर्सिंग बेसिस है, मैंने उस पर बाहर के लोगों किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है, वो उस वही ये काम के लिए वहाँ से फिर वो लोग जो है मैन पावर सप्लाई करेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, तो वॉचमैन और का जो है आउटसोर्सिंग बेसिस है अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर विजयनगरम फ्रॉम द क्वालिफाइड कैंडिडेट फॉर फिलिंग अप द लैब टेक्नीशियन ग्रेड टू और फार्मासिस्ट ग्रेड टू ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एंड FNO सेनेटरी अटेंडर कम वॉचमैन ऑन आउटसोर्सिंग बेसिस इन विजयनगरम डिस्ट्रिक्ट एज नोटेड हेयर अंडर एप्लीकेशन सेल्फ फर्निश्ड टू DMHO विजयनगरम इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। द डिटेल कैन बी ऑब्टेन विजयनगरम डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट बोले, और इसके बाद यदि डिटेल्स जानना चाहते हैं तो आप विजयनगरम डिस्ट्रिक्ट का जो वेबसाइट है उस पर जाकर आप देख सकते हैं। तो इसमें क्या है, टोटल लैब टेक्नीशियन का देख ले, लैब टेक्नीशियन का जो टोटल पोस्ट है वो कितना है, टोटल 6 पोस्ट है जिसका सैलरी भी अच्छा खासा है, 28,000 दिया है। कितना, 28,000 सैलरी क्या है, लैब टेक्नीशियन का सैलरी 28,000 की, ठीक है। इसके लिए जो है क्या क्या सर्टिफिकेट मांगे हैं, आप सारा चीज़ दिया हुआ है, MLT DMLT BSMLT सभी कोई भी चीज़ रहेगा तो चलेगा, ठीक है। और इसमें क्या है कि सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट जो है रजिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूट विच आर रजिस्टर्ड इन आंध्र प्रदेश पैरामेडिकल बोर्ड है, से बोला गया कि आपको DMLT BMLT जो भी है, MLT जो भी कोर्स है, आपका जो है आंध्र प्रदेश जो है बोर्ड से, आंध्र प्रदेश पैरामेडिकल बोर्ड से जो है रिकॉग्नाइजेशन हो जाए आपका इंस्टीट्यूट, वहाँ से आपका ये पास आउट होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ क्या है कि अप टू डेट रिन्यूअल होना चाहिए, द एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ऑन कॉन्ट्रैक्ट या आउटसोर्सिंग या COVID-19 वर्किंग एक्सपीरियंस शुड बी इंक्लोज, यदि है तो आप इसको दे सकते हैं, ठीक है। और ये जो है प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, ये सारा चीज़ दिया हुआ है। इसके बाद क्या, फार्मासिस्ट का टोटल कितना, 3 पोस्ट है और सैलरी जो मिलने वाला है 28,000 मिलने वाला है, कितना, 28,000, ठीक है। इसके लिए भी जो मांगे डी फार्मा बी फार्मा एम फार्मा जो भी है आपको देना चाहिए, देना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें भी वही है कि पैरामेडिकल काउंसिल, फार्मेसी का जो काउंसिल है तो उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूट विच आर रजिस्टर्ड इन फार्मेसी काउंसिल अप टू डेट रिन्यूअल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये नहीं दिया हुआ है कि आपका आंध्र प्रदेश का ही होना चाहिए, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा जब फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो, और इधर रजिस्टर्ड वाले कर सकते हैं। इसके बाद ये दोनों जो है आपका आउटसोर्सिंग है, ठीक है,
इसका एज लिमिट यहाँ पर दिया हुआ है, आप तो इसको डिटेल्स पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इसको, या तो मैंने वेबसाइट दिखा दिया, उस वेबसाइट पर जाकर आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। अब क्या है कि इसमें जो है शेड्यूल फॉर द रिक्रूटमेंट के बारे में दिया है, कब क्या होगा क्या नहीं, इसे प्रोसेस डेट है और ये है इधर डेट है। तो इशू कब हुआ नोटिफिकेशन का, तो 20/11/2021 को। टाइम पीरियड फॉर सबमिशन ऑफ अप्लीकेशन, कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं, 21/11/2021 से 5/12/2021 तक ये अप्लाई कर सकते हैं। कंप्लीशन ऑफ स्क्रूटनी कितना कब है, 15/12/2021 को क्या है कंप्लीशन ऑफ स्क्रूटनी, माने स्क्रूटनी माने आपको वेरिफिकेशन के लिए बुलाया, कंप्लीशन ऑफ स्क्रूटनी होगा कितना, 15/12/2021 को। इसके बाद क्या डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, इसके बाद क्या मेरिट लिस्ट आपको 17/12/2021 को रिलीज कर दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि स्क्रूटनी के बाद आपका मेरिट लिस्ट ही निकालेगा, ठीक है, वेरिफिकेशन के बाद। इसके बाद फिर क्या है, सबमिशन ऑफ ग्रीवेंस बाय द अप्लीकेंट इफ एनी, यदि कोई ग्रीवेंस है तो आप जो है 18/12/2021 से लेकर के 20/12/2021 तक आप इसको सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, ग्रीवेंस एंड रेडर्सल, इसके लिए जो है आपका 21/12/2021 से 22/12/2021 तक का टाइम दिया है। उसके बाद क्या है, डिस्प्ले ऑन ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट एंड सिलेक्शन लिस्ट जो होगा आपको 23/12/2021 को रिलीज कर देगा, ठीक है। इसके बाद कंडक्टिंग ऑफ काउंसिलिंग एंड इशूइंग ऑर्डर टू बी सिलेक्टेड कैंडिडेट, इसके बाद जो सिलेक्ट कैंडिडेट उसको इशू ऑर्डर करेगा, कब से कब तक, 27/12/2021 से लेकर के 28/12/2021 तक ये पूरा क्लियर कर देगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं कि द टोटल द पोस्ट इन द नोटिफिकेशन में इंक्रीज और डिक्रीज कैंसिलेशन ऑफ नोटिफिकेशन एट एनी टाइम बाय द डिस्ट्रिक्ट सेक्शन कमेटी, बोला गया है कि इसमें से पोस्टें जो है घटा सकता है, बढ़ा भी सकता है और या तो टर्मिनेट भी कर सकता है, ये जो है डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी के द्वारा ये सब चीज़ कर सकता है कभी भी, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों का नाम दिया हुआ है, ठीक है, कमेटी, यह है आपका नोटिफिकेशन का फॉर्म, ठीक है, यह है इसका अप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। तो इसमें ये रजिस्ट्रेशन नंबर जो है मांगा गया है, पोस्ट फॉर जिसे अप्लाई करेंगे, पोस्ट का नाम लिखेंगे, डिटेल्स सारे चीज़ इसमें जो है अलग अलग पैराग्राफ अलग अलग चीज़ देना है, आप देख लीजिए डिटेल्स में और इसके बाद इसको अच्छे से भर लीजिएगा और इसको क्या करना है फिर SP पोस्ट के माध्यम से भेज दीजिएगा, ठीक है। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे जो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, ठीक है, धन्यवाद।